हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो कुछ दिन पहले हमने अभी अपने दो कोर्स रिलीज किए थे। ये दो तो हमारे पास क्रैश कोर्स है, जो कि एक आईटी जेम को लेके हैं और एक गेट को लेके। ओके, इसके अलावा हमारे पास टेस्ट सीरीज है, जो कि एक जेम के लिए है, एक गेट के लिए। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं, उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि कोर्स कब से स्टार्ट है, एनरोलमेंट कब से स्टार्ट है, और फिर क्या क्या उसकी डिटेलिंग सब पूरी, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो वैसे एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा कि हाँ, कोर्स कहाँ से चलेगा, कैसे चलेगा, वो सब डिटेल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप जाके एनरोल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे वेबसाइट के ऊपर। तो हमारे वेबसाइट पे जैसे आप जाओगे, तो वहाँ पे आपको काफी डिटेल्स मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में हैं, या फिर अब तक वीडियो को फॉलो करते हैं, चैनल को फॉलो करते हैं, तो थोड़ा बहुत हमारे बारे में जानते होंगे। सो वी प्रोवाइड एजुकेशन फॉर द आईटी जेम कोर्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कि किसी ने प्रोबेबिलिटी का कोर्स ले रखा है अपनी यूनिवर्सिटी में, तो उसको प्रोबेबिलिटी पढ़ना हो गया। किसी को बेसिक इन्फ्रेंस पढ़ना हो गया, किसी को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना हो गया। तो अगर कोई जेम का कोर्स नहीं ले रहा, कोई और कोर्स नहीं ले रहा, किसी को इंडिविजुअली अलग तरीके से भी पढ़ना है, तो वो भी हमारे पास सर्विसेज हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। ओके, तो हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको काफी सारी डिटेल्स मिलेंगी। डिटेल्स वही मिलेंगी जो आपको वेल नोन पहले से ही पता होंगी। ठीक है, कुछ डिटेल्स मेरे बारे में, क्या क्या सर्विस हम देते हैं, उन सबके बारे में। तो हम प्रोवाइड करते हैं वन ऑन ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी, ग्रुप स्टडीज भी, असाइनमेंट हेल्प भी, और प्रोजेक्ट डिस्कशन भी। ओके, इसके अलावा जो जो सब्जेक्ट हम कवर करते हैं, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हमारे पास ये हैं। अभी तक हमारे पास मतलब जितने हम प्रोजेक्ट लेते हैं, जो भी क्लासेस हम लेते हैं, वो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में लेते हैं। धीरे धीरे हम इसको एक्सपेंड भी कर रहे हैं, और भी हमारे साथ टीचर्स जुड़ रहे हैं, और भी इंटर्न जुड़ रहे हैं, काफी हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इसके अंदर काफी और भी नई चीजें आएंगी, लेकिन अभी के लिए पर्टिकुलर यही चीजें हैं जो हम कवर करते हैं। लेकिन ये वीडियो उसके बारे में नहीं है, तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक जो हमें करना है आज। तो अभी का हमारा जो गोल है, वो वही है कि जो कोर्स आने वाले हैं, जो सीरीज आने वाली है, उसके डिटेल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे तुम होम पेज पे जाओगे, तो यहाँ पे भी तुमको मिलेगा ऑप्शन। यहाँ पे आ रखा है, हमारे पास एक टैब खुलेगा तुम्हारे पास कि तुम्हें कौन से कोर्स में लेना है। तो कोर्स के हमारे जो कोड है, वो कोड रहेंगे जितने भी कोर्स हम रन करते हैं स्टैटिस्टिका हब के अंडर, उन सबका कोड स्टार्ट होता है एस एच से। एस एच मीन टू से स्टैटिस्टिका हब, उसके बाद सब्जेक्ट का कोड अलग से। जैसे 401 हो गया, एक क्रैश कोर्स हो गया आईआईटी जेम के लिए। 402 हो गया क्रैश कोर्स गेट के लिए। ओके, ऐसे ही SH101 हो गया टेस्ट सीरीज के लिए, जो जैम वाली होगी, और 102 हो गया गेट वाली के लिए। ठीक है, तो आपको होम पेज पे दिख जाएगा टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्लास कब से स्टार्ट हो रही है। तो जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, वो हमारे 28 सेप्टेम्बर से हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको एनरोल करना है, तो आप सीधा यहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हैं। ये हमारी सीरीज के बारे में है कि अगर आपको टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है, तो उसकी डिटेल्स ये है कि वो 1 तारीख से स्टार्ट होगी। इनरोलमेंट आज 10th of September है, आज से स्टार्ट हो रही है। इनरोलमेंट कब तक चलेंगे, उसकी भी एक डेडलाइन है। जैसे पिछली बार मैंने इंट्रेंस का कोर्स निकाला था, तो डेडलाइन थी, लेकिन काफी बच्चों ने मेरे को बाद में मैसेज किया कि भैया मेरे को भी इनरोल करना है, मेरे को भी इनरोल करना है। तो हमने उसको 25 से 29 तक कर दिया, लेकिन इस बार वो 25 है, तो 25 ही है। जो बच्चा 25 के बाद अगर मेरे को मेल करेगा, या मैसेज करेगा, या कॉल भी करेगा, तो उसको इनरोलमेंट नहीं दिया जाएगा। अगर तुम लेट हो, तो तुम लेट हो, यू हैव सफिशियंट। लाइक आज 10 तारीख है, हमारे पास 15 से 16 दिन है एनरोलमेंट के लिए, तो 15 से 16 दिन काफी होते हैं। ओके, तो ये तो होगी डिटेल्स वगैरह। तो यहाँ पे भी आप जाके सीधा एनरोलमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इफ यू वॉन्ट टू रजिस्टर, यहाँ पे सीधा आप क्लिक कीजिए, या आपको एक अलग पेज के ऊपर लेके चला जाएगा, जो कि आ गया। तो अभी यहाँ पे मैं भी इधर ही आने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जाओगे, तो ये हमारा कोर्स पेज है। यहाँ पे आपको जितने भी हमारे कोर्स चल रहे होते हैं, वो सब यहाँ पे डिटेल्स होती है। जो कोर्स पहले से चल चुके हैं, जिनके इनरोलमेंट्स बंद हैं, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बस उनका नाम दिखेगा, वो हम हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे जो कोर्स चल रहे हैं, दो कोर्स चल रहे हैं ऑलरेडी, जो इस महीने में खत्म हो जाएंगे। एक है SH601, जो कि है इकोनोमेट्रिक्स। एक है SH501, जो है स्टेटिस्टिकल इन्फेरेंस। तो ये डिटेल में कोर्स थे, तो इनमें रफली डेढ़ डेढ़ दो दो महीना लगा है, तो डिटेल्ड कोर्स थे। ओके, तो मतलब डिटेल्ड थे, लेकिन क्लास भी फिर इनकी वीकेंड पे ही हो रही थी, तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा उसमें। तो इनके रजिस्ट्रेशन बंद हो गए हैं। जो अभी अपकमिंग कोर्स है, वो कुछ ऐसे हैं जिनके कोड है SH101, SH102, SH401 एंड SH402। स्टार्टिंग के दो टेस्ट सीरीज हो गया, अगले दो रेगुलर कोर्स हो गए, क्रैश कोर्स के रूप में। ओके, अब जो कोर्स है, इनकी फीस आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। ठीक है, अब ये जो फीस है, ये ग्रुप पे जो है, या फिर साइट के ऊपर जो भी है, वो फीस इंडिविजुअल फीस है। कि अगर आपको सिर्फ क्रैश कोर्स, जेम वाला क्रैश कोर्स लेना है, उसकी फीस है 4000। ओके, अगर आपको गेट का लेना है, उसकी फीस है 5000। नोट, जो क्रैश कोर्स है, उसके अंदर टेस्ट सीरीज नहीं, वो सिर्फ क्रैश कोर्स है। उसके अंदर क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, वो अभी मैं डिटेल बताने वाला हूँ। टेस्ट सीरीज अलग है, क्रैश कोर्स अलग है। तो आप टेस्ट सीरीज को और क्रैश कोर्स को कंबाइन नहीं कर सकते।
शायद एक दो बच्चे ने मेरे को मैसेज किया था कि भैया अगर मैं क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों लूँ तो उसके अंदर कोई डिस्काउंट नहीं है, वो रेगुलर कोर्स है। कि अगर आप टेस्ट सीरीज लेंगे तो उसका 1500 चार्ज है, और आप अगर क्रैश कोर्स लेंगे तो उसका 4000 चार्ज है, तो आपको दोनों का पे करना पड़ेगा। कुछ बंडल में भी चीजें हैं जो आपको अभी मैं आगे दिखाऊंगा। ओके, तो ये तो हमारी फीस हो गई है कि आप कोई भी कोर्स लेंगे तो टेस्ट सीरीज तो दोनों की सेम प्राइस पे है, 1500 1500। लेकिन अगर आप क्रैश कोर्स में जाते हैं तो वो थोड़ा सा चेंज है, कि अगर आप जेम का लेते हैं दैट इट विल बी कॉस्ट यू लाइक 4000, और अगर गेट में जाते हैं तो आपको 5000 का होगा। इसके अंदर डिफरेंस क्यों है वो भी मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिलेगा। अब पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जो फाइल मैं अभी ओपन कर देता हूँ। जैसे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। मेरे पास पहले से है तो मैं वो ओपन नहीं करूंगा, सो आई विल जस्ट इग्नोर दैट थिंग। अब आते हैं कि कोर्स में हम करेंगे क्या। तो ये है हमारे कोर्स का बेसिक पैटर्न, ठीक है। बेसिक पैटर्न कहने का मतलब कि जो भी हमारे पास कोर्स के अंदर है, हमने देखो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगा कि एक जैम का अलग से कोर्स चलेगा, एक गेट का अलग से कोर्स चलेगा, क्रैश कोर्स अलग अलग होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरी डिटेल अभी यहाँ पे होगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुमसे इनरोलमेंट ले लूँ, हाँ जैम वाले बच्चे आ जाओ, गेट वाले आ जाओ, उसके बाद बेटा कम बच्चे हैं इनरोलमेंट को मिक्स कर देते हैं। अब बच्चे कम आए या ज्यादा आए, कोर्स हमारे कंबाइंड फॉर्मेट पे चलेगा, ठीक है। ऑब्वियस सी चीज है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ तो मैं 10 बच्चों को पढ़ाऊंगा, एक साथ 20 को पढ़ाऊंगा, मैं एक साथ 20 को पढ़ाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि सेम टाइम में और कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। टू बी फ्रेंक, कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकल वे में सोची जा सकती हैं, तो ये नहीं बोलूंगा हाँ ये कोर्स अलग है ये कोर्स अलग है। हाँ कुछ कुछ इसके अंदर चेंजेस होंगे जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो हमने किया है काफी 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 स्टडी करने के बाद, काफी इधर उधर से जानकारी लेने के बाद, हमने पूरे कोर्स को हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लेके आए। अब देखो अगर मैं कोर्स के अंदर जाता हूँ, IIT जैम में जाऊँ या फिर गेट में जाऊँ, अब जो इंस्टीट्यूट है जो उसको कंडक्ट कर रहा है वो हो सकता है एक पर्टिकुलर टॉपिक को किसी भी फॉर्मेट में लिख सकता है कि भैया मैथमेटिक्स में तुमको रियल एनालिसिस पढ़ना है। ओके, अब वो रियल एनालिसिस के कितने पार्ट करता है ये किस पे डिपेंड करेगा, हम पे या आप पे या उस पे, किसी पे भी कर सकता है, कोई भी किसी भी फॉर्मेट में उसको डिवाइड कर सकता है। तो जो हम कोर्स पढ़ाएंगे उसके अंदर जो IIT का कोर्स है या फिर गेट का कोर्स है वो पूरा कोर्स होगा, दैट कोर्स विल बी कंबाइंड। अब किस फॉर्मेट पे होगा उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं, तो हम उसको ना फॉलो करके जो कोर्स हमने यहाँ पे डिजाइन कर रखा है हम इसको फॉलो करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात था कि स्टार्टिंग में बच्चे की भैया आपने ये नहीं करवाया ये नहीं करवाया, तो वहां पे जितना भी होगा अगर गेट के कोर्स में आप एनरोल करेंगे तो आपको गेट में जितना भी है वो सब मिलेगा, उसमें जो भी टॉपिक लिख दिया है वो मैं पढ़ाऊंगा या फिर करिश्मा पढ़ाएगी। ओके, गेट वाले के लिए भी जैम वाले के लिए भी सेम चीज है कि तुम्हारे कोर्स में जो भी लिखा हुआ होगा वो सब तुमको मिलेगा। एक प्रॉपरली वेल डिजाइंड क्रैश कोर्स है कि आप लोग पढ़ने आ रहे हैं तो आपको टू द पॉइंट पढ़ाया जाए, ये नहीं कि हाँ यार ये हो गया वो हो गया ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं, एकदम बेसिक टू द पॉइंट, ये अपना कोर्स रहेगा। इस कोर्स में सारी डिटेल है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जितना भी कोर्स में लिखा होगा सिलेबस वो दो कलर में लिख रखा है, तो जो ब्लैक में है वो है हमारा जैम का कोर्स। ओके, जो ब्लैक के अलावा कलर है दैट इज अवर गेट का कोर्स। ओके, तो हमारे पास इस कोर्स के अंदर जैम का भी कोर्स है और गेट का भी कोर्स, तो जो सिलेबस है वो दोनों का कंबाइंड पढ़ाया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा, जो जैम वाले बच्चे हैं, जो जैम वाले बच्चे हैं जिनको सिर्फ जैम देना है, तो उनको जैम का पढ़ाया जाएगा और हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग इसको जैसे तुम डाउनलोड करोगे पीडीएफ तुम्हारे पास भी आ जाएगी। इसमें जो तुम्हारे पास ब्लैक कलर में है वो तो जैम का है, और दूसरे कलर वाला हमारा कौन सा हो गया, जो गेट में आने वाला है। तो जो बच्चा सिर्फ जैम के लिए इनरोल करेगा उसको जैम वाला तो पढ़ाया जाएगा ही यहाँ से, अलोंग विद दैट हमारे पास जो गेट वाला पोर्शन जो लिखा गया है यहाँ पे वो भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब मोल एक बेसिक सी बात हो गई, अगर तुमको ABCD पढ़ना है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि बेटा जैम में तुमको सिर्फ ABCD तक पढ़ाया गया है, अगर उसके बाद गेट में बोल दे कि बेटा तुम्हें ABCDEF तक पढ़ना है, तो डी से डी तक पढ़ाने का लॉजिक नहीं। अगर मैं साथ में कोर्स चला रहा हूँ तो मैं दोनों को कंबाइन वे में पढ़ाऊंगा, तो तुमको जितने भी कोर्स यहाँ पे है वो गेट वाले कोर्स को फॉलो करेगा। अब उसमें तुमको बता दिया जाएगा कि बेटा ये जैम का कोर्स है ये गेट का कोर्स है, अब उसमें से अगर तुमको गेट वाला भी समझना है पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो, अगर नहीं पढ़ना तो तुम बस उसको सुन के छोड़ दो, ठीक है। लेकिन हम ये पूरा कोर्स कवर करवाएंगे, इसमें जितना भी कोर्स लिखा गया है ये जैम प्लस गेट दोनों को कंबाइंड फॉर्मेट में है वो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रियल एनालिसिस में हो गया, यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट है जो जैम में नहीं है, इन सिमिलर फॉर्मेट तुमको डिफरेंशियल कैलकुलस में मिल जाएगा। इसमें भी काफी काफी ऐसे पॉइंट होंगे जो जैम में नहीं आ रहे होंगे। देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि जैम में नहीं आ रहा, ठीक है, टू बी फ्रेंक, कुछ चीजें होती हैं कि हमें लगता है कि वो जैम में नहीं आ रहा है या फिर वो नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि अगर हमको ये बेसिक चीजें पता है तो शायद दूसरा क्वेश्चन जो हम बहुत डिफिकल्ट वे में सोल्व कर रहे हैं या फिर बहुत लेंदी वे में कर रहे हैं वो सिंपल तरीके से हो जाए। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है। तो फिर से यहाँ पे भी तुम्हारे पास यही चीज मिलेगी,
कि हमें जैम का भी कोर्स और गेट का भी कोर्स साथ में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस में अगर मैं आता हूँ तो वहाँ पे भी सेम फॉर्मेट है कि जैम प्लस गेट जितना भी कोर्स था वो सब हमने कंबाइन किया। ओके इसके बाद आते हैं लीनियर अलजेब्रा में, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट है, जो जैम में है वो गेट में है, वो सारा गेट वाला बेसिकली जो भी कोर्स है वो जैम और गेट दोनों को मिक्स करके है। ओके इसके बाद प्रोबेबिलिटी में भी वही सीन है, रैंडम वेरिएबल वगैरह हो गया, हमने कंबाइन किया है प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल को, आगे दिखाऊंगा क्यों कर रखा है, उसकी भी पूरी डिटेलिंग्स होगी। ओके इसके बाद आगे चलते हैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके ये भी हो जाएगा मल्टीवेरिएट, इसमें भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जैसे कि ये वाला पोर्शन है प्रोडक्ट मोमेंट और सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये जैम पे नहीं आ रहा, मतलब पर्टिकुलर नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे गेट वाले में था तो हमने इसको कंबाइन किया है, और इसको भी पढ़ेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब कोई बच्चा यहाँ पे देख रहा होगा कि भैया ये बताओ कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो जैम और गेट के दो अलग अलग कोर्स ले रहे हैं, ठीक है, और फिर आप पढ़ा तो सबको सेम ही रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस अभी आएगा जैसे हम कोर्स को थोड़ा और नीचे बढ़ेंगे, थोड़ा और नीचे बढ़ेंगे, ठीक है, टेस्टिंग तक चल जाएंगे। ठीक है टेस्टिंग में कुछ कुछ पोर्शन है जो शायद जैम में नहीं, ठीक है, जैसे ये वाला पोर्शन जैम में नहीं है तो बच्चे ये जैम वाला पोर्शन छोड़ भी सकते हैं कि जैम में नहीं है तो नहीं करेंगे, लेकिन कर लेना एक बेनिफिशियल पॉइंट है। ओके अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं मैं, तो यहाँ पे आपके चार अलग से चैप्टर्स, ठीक है, जो आपके चार अलग से चैप्टर्स हैं इनका नाम हो गया पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, स्टोकास्टिक प्रोसेस और रिग्रेशन एनालिसिस। ये जो चार सब्जेक्ट्स हैं ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जो हमारे पास गेट के लिए इनरोल करेंगे। तो ये डिफरेंस था कि जैम वाले और गेट वाले में डिफरेंस क्या था, जो फीस का डिफर था वो यही था कि आपको चार यूनिट जो एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेंगी वो जैम वाले बच्चों को नहीं मिलेंगी, और ये आपके कोर्स का पार्ट है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ये नहीं कह सकते कि भैया मेरे को नहीं पढ़ना, नहीं वो ऑप्शन ही नहीं है नहीं पढ़ने का। तो ओके तो ये जो चार यूनिट है ये आपको अलग से एनरोल करनी होगी अगर आपको जैम में गेट का पढ़ना है तो, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा और अगर मैं कंबाइन करूं तो अब हुआ क्या है, यहाँ पे जो भी मैंने कोर्स आपको डिजाइन करके बताया तो हमारे पास था जैम और गेट, ठीक है, जो कोर्स डिजाइन किया उसमें क्या है कि जो बच्चा गेट के लिए पढ़ने वाला है उसको क्या क्या मिलेगा, उसको गेट का भी मिलेगा प्लस उसको जैम का भी मिलेगा, ये सिर्फ क्रैश कोर्स की बात है। जो बच्चा जैम का एनरोल करेगा उसको जैम का, उसको सिर्फ जैम का मिलेगा, उसको सिर्फ जैम का मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो जैम के सब्जेक्ट में नहीं है वो उसको मिल जाएंगे। इसमें बस ये रहेगा कि जो भी गेट वाला सिलेबस है उसमें से माइनस हो जाएंगे 4 यूनिट्स जो कि जैम के पोर्शन में नहीं। तो जो बच्चा सिर्फ जैम के लिए इनरोल करना चाहता है उसके लिए फीस मैंने ऊपर दिखाई थी 4,000 रुपीज रहेगी, और जो बच्चा गेट के लिए इनरोल करेगा उसकी फीस होगी 5,000। अब जो बच्चा दोनों के लिए इनरोल करेगा वो गेट वाली फीस अप्लीकेबल रहेगी, उसको दोनों फी पे नहीं करनी है क्योंकि कोर्स साथ में ही चल रहा है, तो यू सिंपली पे फॉर द गेट और आपको गेट और जैम दोनों का कोर्स पढ़ा दिया जाएगा। ओके तो अब क्लासरूम किस फॉर्मेट पे बनेंगे, यहाँ पे जो क्रैश कोर्स अगर मैं बताता हूँ तो तुम्हारे पास यहाँ पे दो क्लासरूम होंगे, एक जैम वाला होगा और एक गेट वाला होगा। जो जैम वाला होगा इसमें कौन कौन से बच्चे होंगे, जो जैम वाले कोर्स में आएंगे प्लस जो गेट वाले में आएंगे, और यहाँ पे कौन होगा, जो बच्चे सिर्फ गेट के कोर्स में आएंगे। ओके अब इसमें होगा क्या कि ये जो पोर्शंस है, जो ये वाला क्लासरूम रहेगा जिसमें जैम और गेट वाले दोनों मिक्स बच्चे होंगे, इसके अंदर क्या है, जो स्टार्टिंग की यूनिट है हमारे पास रफली 11 या 12 यूनिट होंगी जो हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किए हैं, ये सारी क्लासेस इस क्लासरूम में चलेंगी, तो ये बच्चे वहां से ले सकते हैं क्योंकि उधर भी होंगे, और यहाँ पे सिर्फ वो बच्चे होंगे जो गेट के लिए एनरोल करेंगे, तो इनकी जो एडिशनल 4 यूनिट थी वो इनको यहाँ पे मिलेंगे। तो बच्चों के क्लासरूम अलग होंगे ताकि कोई मिक्सअप ना हो, कोई चीजें कंफ्यूजन में ना चले जाए कि भैया ये क्या चल रहा है, मेरी क्लास थी या नहीं थी। ओके तो ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या है कि तुमको क्लासेस के बाद मिलेगा क्या, तो मिलेगा क्या कि जो जिस भी क्लासरूम में तुम हो, जिस क्लासरूम के थ्रू जो भी क्लास हुई है उसकी रिकॉर्डिंग तुमको मिलेगी। रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी, क्लासरूम के अंदर ही मिलेगी, ठीक है, वो तुम डाउनलोड नहीं कर पाओगे, वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ही रहेगी, मेरे क्लासरूम के अंदर रहेगी, लेकिन आपका जब तक एग्जाम नहीं होता है इस सब की वैलिडिटी कब तक तो रहेगी, 20th ऑफ फेब्रुअरी, ठीक है, 20 फेब तक आपको इस पूरे कोर्स की पूरी एक्सेस रहेगी कि आपके पास जो भी वीडियो लेक्चर होंगे यहाँ पे क्रैश कोर्स के वो आप देख सकते हैं। गेट वाला बच्चा स्टार्टिंग के 11 या 12 यूनिट के यहाँ से देखेगा, ओके, और बाकी के जो 4 यूनिट है उसका अपना कोर्स यहाँ से अपने वाले क्लासरूम से देखेगा। ओके सो दैट इज द फॉर्मेट कि क्रैश कोर्स कैसे चलेगा, और जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं वो हमारी हो रही हैं 29th ऑफ सेप्टेम्बर।
ओके okay, अब क्लासेस किस टाइम पे हैं, क्लासेस कब कब हैं, तो हमने पूरा स्केड्यूल बना रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली ना तो हम आपको डिस्टरबेंस चाहेंगे, ना ही हम जो काम करें उसमें डिस्टरबेंस चाहेंगे। तो उसको देखते हुए अब हम चलते हैं हमारे कोर्स प्लान के ऊपर। ओके okay, तो ये हमारा कोर्स मास्टर प्लान है। अगर आपको आईआईटी जैम निकालना है या फिर गेट निकालना है, दोनों के लिए। तो अगर देखो तुमको कुछ भी नहीं आता, अज्यूम करके चलते हैं कि कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आप मेहनत करने वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो आपको इनिशियल कोर्स यहाँ से मिलेगा। अगर आपने पहले पढ़ रखा है, आपको फिर से एक बार कॉन्फिडेंस चाहिए, सारी चीजें एक बार रिकैप करनी है 1 से 1.5 महीने में, अगेन दिस इज द कोर्स प्लान, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ओके okay, अब इसके अंदर कोर्स क्या है, वही हमारे 2 तो क्रैश कोर्स हो गए और 2 हमारी टेस्ट सीरीज हो गई, तो इसी के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारा बेसिक प्लान है जो चलेगा तुम्हारे कोर्स के अंदर। तो तुम्हारी जो भी क्लासेस होंगी उनका टाइम फिक्स है, कि जो हमने टाइम स्लॉट लिया है वो है 8 PM to 10 PM, कि जिस भी दिन क्लास होगी वो 8 PM to 10 PM क्लास होगी, एक्सेप्ट वन दिन, एक दिन है जहाँ पे अलग टाइम पे, जैसे यहाँ पे 18th को जो क्लास है आपकी वो है 6 से 7, 6 से 8 PM, 18th of October को आपकी क्लास होगी 6 से 8 PM, बाकी हर दिन आपकी क्लास होगी 8 से 10, और जहां जहां पे मास्टर क्लास लिखा गया है वहां पे है संडे। ओके संडे को मास्टर क्लास होंगी जिसमें हम डाउट वगैरह देखा करेंगे। ओके जो मास्टर क्लास है वो अलग से होंगी, तो उसका टाइम हमने अभी तक नहीं लिखा है, जैसे हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसको भी एक बार स्केड्यूल में लेके आ जाएंगे, तो मास्टर क्लास का भी टाइमिंग फिक्स हो जाएगा। अब मास्टर क्लास संडे को है तो ऑब्वियसली शायद यहाँ पे 2 क्लास रखी जा सकती है, कि एक तो क्रैश कोर्स वाले बच्चों के लिए कि उनको क्रैश कोर्स में कोई डाउट आया हो, या फिर एक और क्लास रखी जाती है 2 घंटे की, जिसमें कि हम टेस्ट सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि साइड में आपको टेस्ट सीरीज भी दिख रहा होगा, कि टेस्ट सीरीज का भी एक फॉर्मेट आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो टेस्ट सीरीज का जो फॉर्मेट है वो भी मैं अभी बता देता हूँ, तो पहले एक बार कोर्स को देख लेते हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज में चलेंगे। तो कोर्स स्टार्ट होगा आपका प्रोबेबिलिटी से, जो कि 29th of September को स्टार्ट होगा। अब जो भी यहाँ पे यूनिट हमने डिफाइन की है, अब क्रैश कोर्स है तो एकदम फुल्ली वो तो नहीं होगा कि बहुत डिटेल में होगा, ऑब्वियसली आपको पढ़ के आना होगा, और जो मैं पढ़ाने वाला हूँ या करिश्मा पढ़ाने वाली है आपको उसको फॉलो करना होगा, दैट इज द मेन गोल। तो जो भी हमारे पास रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने लिखा, उसके लिए आपको क्लास होगी यहाँ पे, जो कि हमारी क्लास रहेगी कितने घंटे की, 2 घंटे। ओके ये क्लास आपकी 2 घंटे की हुई। ओके इसके बाद 30th September को फिर से आपकी क्लास होगी, जो फिर से 2 घंटे की है। ओके तो इस वे में आपका कोर्स चलता रहेगा। तो जैसे 4 4 घंटे में हमारा जो गोल है वो है कि ईच यूनिट इज गिवन 4 आवर्स। 4 घंटे बहुत होते हैं, अगर मैं देखूं 2 घंटे में मैं पूरी चोरी करवा सकता हूँ, ठीक है। आप भी थोड़ा पढ़ के आएंगे, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम बिल्कुल नहीं पढ़ के आओगे तो भी आपको कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, नहीं। जितना एफर्ट हम डालेंगे, जितना हमने ये प्लान किया है, जिस सोचे हमने सोची है कि इस तारीख को ये होगा, तो आपको भी अपने स्केड्यूल उसके अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे, कि हाँ भैया मेरे को पढ़ना है, सिलेक्शन तुमको चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, सिलेक्शन तुमको चाहिए, तुमको पढ़ना होगा। तो तुमको अगर कोर्स को तुम अगर फॉलो कर सकते हो, और अगर अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कि बस तुमने सुना है कि हाँ यार आईआईटी जैम नाम से पेपर होता है, गेट नाम से पेपर होता है, अगर आपने इतना सुन रखा है और अगर आप ये क्वालिफाई करना चाहते हैं, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। ओके एकदम प्रॉपर होगा, 4 घंटे कम नहीं होंगे, डोंट वरी। ओके दैट इज फ्रॉम माई एंड, कि 4 घंटे सफिशियंट होंगे, कि अगर हम 2 घंटे में भी थ्योरी कवर करते हैं, उसके बाद 2 घंटे में हम इनफ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो 4 घंटे अगर हम यहाँ पे देते हैं, और अगर हर यूनिट को 4 घंटे आप देते हैं, तो 8 घंटे एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए बहुत ज्यादा मोर देन सफिशियंट होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली देखना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, बहुत कम पढ़ा दिया, नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रिसाइज पढ़ेंगे, सिलेबस को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे, और आप कोर्स कंप्लीट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। ओके तो आपके पास कोर्स का स्केड्यूल ये सब है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। तो आपको कुछ कुछ यूनिट्स मैं पढ़ाऊंगा, कुछ यूनिट्स करिश्मा मैम पढ़ाएंगी, तो दिस विल बी द बेसिक कोर्स जो हम इस वे में लेके चलेंगे। और हमारे पास अगर मैं जैम के कोर्स की बात करूं, तो जैम का कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा रफली 12th या 13th तक, मतलब कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 8 नवंबर तक। ये है अपना जैम का कोर्स, जो कि 8 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कुछ डाउट वगैरह भी होंगे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 12th नवंबर तक चला जाएगा। ओके इसलिए यहाँ पे तुमको एक मास्टर क्लास दिखी होगी, जो पीछे वाले जैम वाले बच्चों के डाउट के लिए होगी। ओके उसके बाद अगर मैं गेट की बात करूं, तो गेट में 4 यूनिट एक्स्ट्रा थे, तो गेट का कोर्स हमारा खत्म होगा अराउंड 20th ऑफ नवंबर। ओके यहाँ पे मैंने अक्टूबर लिखा गया, नहीं नवंबर ही लिखा, हाँ। तो हमारे पास गेट का कोर्स अगर मैं देखता हूँ, तो वो कंप्लीट होगा आपका 20th 22th ऑफ नवंबर, और इसके बाद अगर मैं इसको भी आगे पीछे लेके चलता हूँ, तो शायद 25th तक ये चला जाएगा, 25th नवंबर, जो कि सारे डाउट्स वगैरह को क्वालिफाई करके क्लियर करके हम आगे बढ़ जाएंगे।
तो हमारा प्लान यही है कि आपका कोर्स स्टार्ट होगा 29 सितंबर से, ठीक है, दोनों कोर्स क्योंकि साइमल्टेनियसली स्टार्ट होंगे, और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं जैम की बात करूं तो वो मैं मान के चलता हूं कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 12 नवंबर तक, और अगर मैं गेट की बात करूं दैट विल बी फिनिश्ड अप बाय 22 नवंबर, कि 22 नवंबर को गेट खत्म और 12 नवंबर को हमारा जैम खत्म। अब आता है टेस्ट सीरीज के ऊपर, तो टेस्ट सीरीज किस फॉर्मेट पे चलेगी, तो ऑब्वियसली सारी चीजें अभी एक साथ में हम लेके आने वाले हैं, तो जो बच्चे हैं जो क्रैश कोर्स में इनरोल करेंगे यार उनको पढ़ना भी होगा, तो मैं टेस्ट सीरीज को एकदम से नहीं निकाल सकता कि हर दिन तुम्हारे पास एक टेस्ट, और वो कोई फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन है भी नहीं कि मैं हर दिन तुमको एक टेस्ट दे दूँ, उसका कोई लॉजिक है नहीं। तुम 4 दिन करोगे उसके बाद शायद तुम थक जाओगे, यार क्या यार हर दिन किसी में नंबर नहीं आए, फिर से तुम डिप्रेशन में, तो शायद तुम पढ़ोगे भी ना, बीच में रुक जाओगे। तो एकदम प्रॉपर जिस वे में एक बच्चा सोचता है, ये नहीं कि यार बहुत कुछ क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया 10,000 20,000 50,000 कुछ भी दे दिया, वो सेंसिबल बात है ही नहीं। जो भी कोर्स है वो प्रॉपर है, जो भी टेस्ट सीरीज है वो भी एकदम प्रॉपर है। तो अगर मैं टेस्ट सीरीज का, ऑब्वियसली कुछ कुछ बदलाव होंगे यहाँ पे, मतलब टाइम्स के अंदर बदलाव नहीं होंगे जितना मेरे को लगता है, क्योंकि अगर मैं टाइम पे रहता हूँ शायद कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं आती है तो हम इसको फॉलो करेंगे। तो ये प्रॉपरली डिजाइन चीजें हैं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मैंने अपने आगे की क्लासेस जो भी अदर क्लासेस में लेता हूँ उनको भी स्केड्यूल कर रखा। ओके, अब आते हैं टेस्ट सीरीज के ऊपर। तो हमारे पास दो टेस्ट सीरीज है, अगर तुमको टेस्ट सीरीज दिख रहे होंगे तो दो टेस्ट सीरीज है, एक हमारी है जैम की, एक है तुम्हारी गेट की। ओके, अब यहाँ पे जो यूटी लिखा गया है दैट मीन टू से यूनिट टेस्ट। ओके, जो यूटी लिखा गया है दैट इज यूनिट टेस्ट। तो हमारे पास हो क्या रहा है इसके अंदर, देखो जैसे ही मैंने ये वाले यूनिट कंप्लीट की, प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल कंप्लीट हो जाएगा 29th और 30th को, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो पहला टेस्ट होगा वो तुम्हारा टेस्ट होगा 2nd ऑफ अक्टूबर को। हाँ ओके, तो 1 अक्टूबर को तुम अपना पढ़ लिख के तैयार बैठे रहोगे, 2nd ऑफ अक्टूबर को आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा जो सबसे पहला टेस्ट होगा। अब ये यूनिट वाइज टेस्ट है सबसे पहले वाले, तो जैम का यूनिट टेस्ट 1, गेट का यूनिट टेस्ट 1। अब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कर सकता कि बेटा ये 2 घंटे के लिए आपका विंडो ओपन रहेगा, आप 2 घंटे में दीजिए, ठीक है। हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं फ्री हूँ आप नहीं है, हो सकता है पर्टिकुलर टाइम पे एक बच्चा फ्री है दूसरा बच्चा फ्री नहीं है। तो ये कोर्स आपके जब भी जितने भी टेस्ट हैं जो ओपन होंगे वो होंगे जैसे कि जिस भी टेस्ट की डेट है, जैसे 2nd ऑफ अक्टूबर है तो ये टेस्ट आपका ओपन हो जाएगा 00, नहीं वो थोड़ा लॉजिकल नहीं है ना, इतना नहीं रखते हैं, चलो 8 AM कर देते हैं, कि जिस भी डेट को हमारा टेस्ट यहाँ पे लिखा गया है वो 8 AM को ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारा ये वाला टेस्ट है, ये अगर 8 AM को ओपन होता है यूनिट टेस्ट 1 2 तारीख को, ओके, तो 3 को 2 को आप इसको अटेम्प्ट करते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड टेस्ट ओपन होगा, 4 को हम इसका टाइम जोन रख देंगे शायद अराउंड 5 PM, 5 PM तक आपको करना ही होगा, ठीक है, सो दैट बच्चों के रैंक आए। अब जो बच्चा पहले अटेम्प्ट कर रहा होगा उसकी उसकी रैंक नहीं दिखाएगा उसको, वैसे उसका स्कोर दिखाएगा, रैंक नहीं दिखा सकता क्योंकि टेस्ट अभी तक ओपन है, जब तक टेस्ट ओपन रहेगा तब तक आपको रैंक वो नहीं दिखाएगा। ओके, सो बेसिक प्लान यही रहेगा कि हमारा जो टेस्ट है, मान लो हमने यूनिट टेस्ट 2 को ओपन किया तो 2 को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, 3 को अटेम्प्ट कर सकते हैं, 4 को हमारा 5 PM पे क्लोज हो जाएगा। तो जिस भी बच्चे ने अटेम्प्ट किया होगा, जिस बच्चे ने जितना भी स्कोर लेके आए होंगे उनकी रैंक वो शो कर देगा। ओके, उसके बाद टेस्ट 1 खत्म हुआ, फिर तुम जाओगे टेस्ट 2 के अंदर, ठीक है। टेस्ट 2 के अंदर जैसे जाते हो तो वो फिर हमारा 5 तारीख को ओपन होगा, सेम टाइम 8 AM, वो क्लोज हो जाएगा जैसे 5 को ओपन हुआ था, तो आप 5 को अटेम्प्ट कर सकते हैं, 6 को अटेम्प्ट कर सकते हैं, 7 को, जैसे 7 में पहुंचोगे तो 7 को वही 5 PM पे वो क्लोज हो जाएगा। जैसे ही हमारे दो टेस्ट कंप्लीट होंगे उससे अगला जो भी वीकेंड आएगा जहां पे मास्टर क्लास लिखी गई है, ठीक है, मास्टर क्लास वाले दिन वो क्या होगा, उस टेस्ट का डिस्कशन होगा, जो यूनिट टेस्ट 1 होगा और यूनिट टेस्ट 2 होगा उसका डिस्कशन होगा, ठीक है। दैट विल बी द बेसिक एंड द मोस्ट जेनरिक फॉर्म, कि आपको सबको 2 या 3 दिन दिए जाएं, उसमें आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन जैसे आप टेस्ट को ओपन करेंगे आपको एक प्रॉपर टाइम मिलेगा, आपका एक टाइमर चलता रहेगा, वो क्लोज हो जाएगा, कि टेस्ट ओपन होगा लेकिन जैसे आपने अटेम्प्ट किया तो आप बैक नहीं जा सकते, ठीक है। 1 ट्राई हम देंगे कि आप सिर्फ 1 ट्राई में अपना अटेम्प्ट पूरा कीजिए, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। और अभी तक जो हमने प्लान कर रखा है वो ये प्लान है कि आपके हर एक टेस्ट के अंदर अराउंड 22 से 23 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जैसे यूनिट टेस्ट होंगे उसके अंदर होगा 22 से 23 क्वेश्चन जो आपको 1 घंटे में करने होंगे, ठीक है। जैसे अगर आप IIT का पेपर देने जाते हो वहां पे आपको मिलते हैं 60 क्वेश्चन जिसके लिए टाइम मिलता है आपको 3 घंटे, तो 1 घंटे का मतलब 20 क्वेश्चन। अब आप घर पे कर रहे हैं तो हम 2 से 3 क्वेश्चन एड ऑन करके रखेंगे सो दैट आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़े,
ओके, सो दैट इज द बेसिक प्लान कि हाँ 22 से 23 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे हर एक टेस्ट के अंदर, जिसके आपके लिए आपको टाइम मिलेगा 1 मिनट का। ओके, अब इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप का सीन होगा कि जैसे जिस बच्चे ने टेस्ट सीरीज जैम की ली होगी या जिस बच्चे ने टेस्ट सीरीज गेट की ली होगी, तो ये वाला जो टेस्ट है यूनिट टेस्ट 1 गेट वाला, ये यहाँ पे भी आएगा और ये यहाँ पे भी आएगा। कि आपको हर यूनिट के लिए, यूनिट वाइज जो भी टेस्ट है, वो आपको जैम वाला भी मिलेगा, गेट वाला भी मिलेगा, डेट सेम रहेंगी। तो आपको 3 दिन का स्लॉट मिलेगा जिसमें आपको 2 पेपर करने होंगे। उसके बाद यूनिट टेस्ट 2 के ऊपर बात करते हैं, तो वो भी आपको 3 दिन का स्लॉट मिलेगा जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो मोर और लेस आपको हर यूनिट से अराउंड 50 क्वेश्चन करने को मिलेंगे जब आप यूनिट टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तब। ठीक है, दोनों टेस्ट सीरीज वाले बच्चों को, या फिर आप जैम में आइए या फिर गेट में आइए, आपको पढ़ना तो वही सब है। तो जैम वाले कोर्स में आपको वही यूनिट वाइज जब हम टेस्ट करेंगे तो दोनों फ्लिप फ्लॉप होके आएंगी। तो आपका गोल यही होना चाहिए कि अगर आप टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं तो पूरा पढ़ के आए, या फिर जो बच्चे सिर्फ गेट के लिए टेस्ट सीरीज ले रहे हैं वो जैम के अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे सिर्फ जैम की टेस्ट सीरीज ले रहे हैं वो गेट वाले पेपर को टेस्ट ना रख के अपना घर पे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है अगर वो आप टेस्ट लेके आते हैं फिर आपको शायद डिमोटिवेशन आ सकता है। सो ट्राई टू गो फॉर लाइक ओनली यूनिट टेस्ट 1 अगर आप गेट का नहीं पढ़ रहे हैं तो। लेकिन जो बच्चे क्रैश कोर्स यहाँ पे लेने वाले हैं उनको यही सजेशन रहेगा कि आप दोनों टेस्ट देंगे, क्योंकि आप पढ़ेंगे भी दोनों चीज का। ओके, दैट इज द बेसिक गोल। तो हमारे पास जो भी स्टार्टिंग में 10 से 12 यूनिट थी अराउंड, यहाँ पे मैंने लिख रखी है 12 यूनिट। तो जो भी 12 यूनिट है यहाँ पे आपको हर यूनिट से आपको 2 टेस्ट मिलेंगे। जो यूनिट टेस्ट होंगे हर टेस्ट के अंदर आपके पास इन एंड अराउंड 25 क्वेश्चन होंगे। तो मैं मान सकता हूँ अपने पास रफली 45 क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द चैप्टर, ईच ऑफ द यूनिट, जो आपको टेस्ट के फॉर्मेट ही यूनिट टेस्ट के फॉर्मेट पे मिलेंगे, जहाँ पे सारी डिटेल्स आपको लिखी गई है। ठीक है, अभी मास्टर क्लास में या तो क्रैश कोर्स वाली की अलग से क्लास होगी और हमारे पास जो टेस्ट सीरीज होगी उससे अलग से होगी। अब जो भी टेस्ट होगा उसके ऊपर एक और चीज, अब मान लो किसी बच्चे ने टेस्ट दिया कि मैंने यार 30 तारीख को दे दिया, अब उसकी अगर मास्टर क्लास आपको बहुत दिन बाद मिलने वाली है, कि मान लो 4 से 5 दिन बाद मिलने वाली है, अब तुमको मान लो डाउट आ गया कुछ, तुम खुद में डिप्रेशन में हो कि यार ये वाला क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो जैसे हमारे टेस्ट का टाइम जोन कंप्लीट होगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि आपके पास टेस्ट कब कंप्लीट होगा, 5 तारीख 5 PM पे, तो 5 PM पे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा उसका। ओके, आप सीधा अपने टेस्ट सीरीज वाली जगह पे जाएंगे, वहां पे आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, जो कि हैंड रिटन होगा, वो टाइप वगैरह नहीं होगा, वो मेरे हाथों से लिखा गया सॉल्यूशन होगा। वो आप वहां से उसको रेफरेंस में जाके देख सकते हैं, उसके बाद भी आपके डाउट रहते हैं तो वो मास्टर क्लास में कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, फिर से सेंसिबल बात है, कोई भी ऐसी बात नहीं कि हाँ यार सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन तुमसे कुछ हुआ ही नहीं, जो तुम कर चुके हो उसमें हम क्यों ही टाइम इन्वेस्ट करें, जो तुम कर चुके हो जिसका तुम सॉल्यूशन देख चुके हो, सॉल्यूशन देख के तुमको समझ में आ गया कोई छोटी मिस्टेक थी कैलकुलेशन, तो उसका लॉजिक नहीं बनता है। प्रैक्टिकलिटी यही बोलती है कि तुमको अपना टाइम मैनेज करना होगा, हमें भी हमारा टाइम मैनेज करना होगा। आपको हर यूनिट से दो दो टेस्ट मिलेंगे, एक जैम फॉर्मेट पे एक गेट फॉर्मेट पे। ओके, जैसे इन दोनों को करोगे इनके सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे, आप उनको देख सकते हैं, उसके बाद हर टेस्ट के लिए मास्टर क्लास भी होगी जिसके अंदर आप उसके आप डाउट पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इजी क्वेश्चन आपने डाउट कैसे पूछ लिया, डाउट बताया जाएगा, फील रिलैक्स। ओके, और जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह होंगी वो आपको प्रॉपर वे में है कि प्रॉपर डेट्स यहाँ पे लिखी गई है और टाइम जोन मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी ओपन होगी 8 AM अगर ओपन हुई है तो उससे अगले से अगले से अगले दिन वो 5 PM पे क्लोज होगी, कि आपको बहुत ज्यादा टाइम मिले। अब कोई पूछ सकता है कि भैया इतना ओपन क्यों करके दिया है कि इतना इतना टाइम जोन, तो ऑब्वियसली कुछ बच्चे ऐसे बीएससी में हो सकते हैं, कुछ मास्टर्स में भी हो सकते हैं, तो जो टेस्ट सीरीज का टाइम है, चलो यूनिट टेस्ट को मैं मान लेता हूँ तुम फ्री हो, जैसे हमारे फुल लेंथ टेस्ट आएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ से फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, जो जैम वाले बच्चे हैं उनका पहला फुल लेंथ टेस्ट होगा 20th of November को, जो कि है मंडे। ठीक है, मंडे को 20 नवंबर को आपके फुल लेंथ पेपर स्टार्ट हो जाएंगे जो बच्चे जैम के लिए अपेयर करने वाले हैं। अब इनका टाइम जोन होगा 48 आवर्स। ठीक है, कि आपको 48 आवर्स में 3 घंटे निकालने होंगे जिसमें आपको प्रॉपर एक पेपर प्रॉपर फॉर्मेट पे बैठ के देना होगा। यू नीड टू अटेम्प्ट दैट पेपर, आपका स्कोर आएगा, सॉल्यूशन आपको अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद डिस्कशन हो जाएगा, दैट विल बी द थिंग। ओके, तो इसमें मतलब इतना टाइम जोन है कि हो सकता है किसी बच्चे के प्रैक्टिकल चल रहे हो कॉलेज में, किसी को और कुछ काम हो, तो अगर मैं एक प्रॉपर टाइम दे दूंगा बेटा आज 3 बजे आ जाना, 3 से 6 पेपर है, दैट डजंट मेक एनी सेंस, कि जो बच्चा सीरियसली पेपर देने वाला है शायद नहीं दे पाएगा। ओके, बाद में तो अटेम्प्ट करना वो तो इजी, वो तो बाद में तो मिल ही जाएगा ना, उसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं। ओके, और जो हमारा मैंने अभी बताया कि जैम की जो फुल लेंथ पेपर होंगे, जैम के जो फुल लेंथ पेपर होंगे, देर विल बी 10 फुल लेंथ पेपर
ओके उनका काउंट होगा 10। हर एक पेपर में हमारे पास 60 क्वेश्चन होंगे प्रॉपर फॉर्मेट के ऊपर। इन 10 पेपर का आपको अल्टरनेट डेज पे सॉल्यूशन या क्वेश्चन मिलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया, दूसरा दिन आपकी छुट्टी रहेगी, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगले दिन फिर आपका पेपर आया, छुट्टी रहेगी, फिर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सोन अल्टरनेट डेज पे ऐसे पेपर आते रहेंगे जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और फिर इनके बाद जैसे दो पेपर होंगे उसके बाद एक ग्रुप, वो एक मास्टर क्लास, क्योंकि यहाँ तक मैं दोनों क्रैश कोर्स कंप्लीट करवा चुका हूँगा। जैसे क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो सेम टाइम जोन में आपकी मास्टर क्लास हो जाएगी, जिसके कि अंदर हम फुल लेंथ पेपर को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि जो हम टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, कि जो बच्चा टेस्ट सीरीज में आ रहा था गेट वाले में, जो बच्चा टेस्ट सीरीज आ रहा था जेम वाले में, उनको यूनिट टेस्ट तो सारे मिलेंगे दोनों को। कि अपने पास 12 यूनिट थी अगर जेम में, तो उसको 24 पेपर मिलेंगे। ओके गेट में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास 12 यूनिट थी, तो वहां पे 24 मिलेंगे। उसके बाद हमारी चार और यूनिट है, तो उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा होंगे। यहाँ पे दो पेपर नहीं होंगे इन चार में, इनमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। कि हो सकता था पहले वाले में 22 थे, तो यहाँ पे 30-30 क्वेश्चन के बंडल हो जाएंगे जो आपको इन चार यूनिट में मिलेंगे। तो ये तो आपके यूनिट टेस्ट हो गए। इसके बाद जैसे फुल लेंथ पेपर है, जो जो बच्चे जैम के लिए आए हुए हैं उनका सिर्फ जैम को मिलेगा ये फुल लेंथ पेपर, सिर्फ जैम वाले बच्चों को मिलेंगे। और जो गेट के लिए आए होंगे उनके फुल लेंथ पेपर सिर्फ गेट वाले बच्चों को मिलेंगे। तो हमारे पास ये जो 10-10 पेपर है, 10 फुल लेंथ पेपर फॉर जैम और 10 फुल लेंथ पेपर फॉर गेट, ये इंडिविजुअल बच्चों के, कि जो गेट की टेस्ट सीरीज में आएगा, जो जैम की टेस्ट सीरीज में आएगा उनको ही मिलेंगे। यूनिट वाइज टेस्ट उनको फ्लिप फ्लॉप होके मिलेंगे, वो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। अब जो बच्चा कंबाइंड फॉर्मेट में आता है, कि भैया मेरे को कंबाइंड फॉर्मेट में आना है, तो अगर तुम कंबाइंड फॉर्मेट में आते हो तो जो हमारे पास फीस है बंडल वाला, दैट विल बी 2500, जिसमें कि आपको यूनिट वाइज जो टेस्ट थे वो भी आपको दो दो मिल रहे थे, और हमारे पास जो टेस्ट सीरीज है जैम वाली फुल लेंथ वाली वो भी आपको मिल जाएगी, फुल लेंथ गेट वाली भी मिल जाएगी। ओके तो अब टोटल कितना बनता है, अब वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 10 10 20, और ऊपर हमारे पास 12 12 यूनिट थी, तो 24 पेपर वहां पे, उसके बाद चार आपके अलग से पेपर, तो हमारे पास कितना, 12 दूनी 24, 24 प्लस 4 28 और 20, तो इनफ पेपर हो गया। ठीक है, रफली हमारे पास 50 पेपर हो जाएंगे जो बच्चा दोनों सीरीज में आता है। अब ये नहीं है मैं आपको 100 सीरीज 100 50 100 150 ऐसे दे रहा हूँ, उसका कोई लॉजिक भी नहीं है कि अगर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूँ, क्योंकि जो मैंने बहुत प्रॉपर वे में प्लान किया है, मैंने करिश्मा ने बहुत बैठ के सोचा है। तो हम अगर कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं 29th of September से, तो हमारा कोर्स चल रहा है 14th of December तक, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 2.5 मंथ है। तो जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप क्रैश कोर्स में भी आते हैं और टेस्ट सीरीज भी लेते हैं तो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपको बंडल में दोनों लेने की नीड है, नो। जो बच्चा सिर्फ जैम के लिए आ रहा है वो सिर्फ जैम के लिए अप्लाई करे, आप अपना पैसा बचा सकते हैं। अलोंग विद दैट शायद आपको कॉन्फिडेंस अच्छे से आएगा, क्योंकि गेट का क्वेश्चन हो सकता है आपसे ना ही ले कभी कभी। ओके दैट इज द पॉइंट। तो ये तो हमारा गया प्रॉपर प्लान कि आपको कितने टेस्ट मिलेंगे, कब स्टार्ट होंगे, कब डिस्कशन होगा। प्रॉपर डेट्स यहाँ पे लिखी गई है, आप वेबसाइट पे जाइए, आप वहां से डाउनलोड कीजिए, पूरी डिटेल्स आप खुद से एनालाइज कीजिए। अगर आपको एनरोल करना है तो आप एनरोल कीजिए। ओके और एनरोलमेंट्स हमारे खत्म हो जाएंगे, मैंने पहले ही बताया था कि जैसे आज 10th of September है, तो आज से ओपन किए गए हैं, दे विल बी ओपन टिल 25th of September। इसके बाद कोई भी बच्चा अगर मेरे को मैसेज करेगा या फिर कुछ भी करेगा कि भैया इसमें एनरोल करना है उसमें एनरोल करना है, उसको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि हम एनरोलमेंट्स बंद कर देंगे। ठीक है, तो जितने बच्चे आते हैं, मान लो मेरे पास 10 बच्चे आए तो भी सेम फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे, 20 आए तो भी, 100 आए तो भी, 150 आए तो भी। ओके तो 10 बच्चे में भी सीरीज चलेगी, टेस्ट क्रैश कोर्स भी चलेगा, सारी चीजें चलेंगी, 20 आए तो भी चलेगा, 100 आए तो भी चलेगा। ओके लेकिन डेडलाइन डेडलाइन रहेगी, 10 सितंबर है तो 10 सितंबर है, आज से ओपन हुआ है। अगर एंडिंग डेट है 25 सितंबर तो 25 सितंबर है। अब आते हैं इनरोलमेंट के लिए क्या सीन है। तो पिछली बार क्रैश कोर्स जो भी हमने कोर्स लॉन्च किया था, उसके अंदर काफी बच्चे मेरे को पर्सनली मैसेज कर देते थे कि भैया मैं आप पे करूंगा, तब पे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो ऑब्वियसली मेरे को सारा डेटा मैनेज करना होगा। ओके कि जैसे मेरे साथ और भी, जैसे मेरी टीम में कोई है जो टेस्ट सीरीज बना रहे होंगे, कोई टेस्ट सीरीज को टाइप कर रहे होते हैं, कोई वेबसाइट को मेंटेन कर रहे होते हैं, तो उन सब का पूरा डेटा मेरे को मैनेज करना होता है। ठीक है, उसके अलावा जो हम बाकी बच्चों को पढ़ाते हैं उनका डेटा मैनेज करना होता है। तो आपका जो एक प्रॉपर फॉर्मेट पे हमने लिखा गया है, आपको उसी को फॉलो करना होगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है। ओके तो आपको सीधा जाना है वेबसाइट पे, यहाँ पे कोर्स में आप जाएंगे, तो कोर्स में आप जाते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा एनरोल नाउ, क्लिक ऑन एनरोल नाउ, आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा,
गूगल फॉर्म में यहाँ पे आपको फीस लिखी गई है कि आपके पास अगर आप जैम का क्रैश कोर्स लेते हैं उसकी फीस है 4,000, गेट के लिए आपकी है 5,000, जैम की टेस्ट सीरीज के लिए 1,500, गेट की टेस्ट सीरीज के लिए भी 1,500, दोनों का कंबाइंड क्रैश कोर्स लेंगे तो आपको 5,000 पड़ेगा, वही गेट वाला जो मैंने अभी आपको समझाया। अगर दोनों की कंबाइंड टेस्ट सीरीज लेंगे तो दैट विल कॉस्ट यू 2,500, दैट विल बी द प्लान। उसके बाद आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, दिस विल आस्क फॉर द डेटा, तो आपको डेटा देना होगा। तो मैंने रैंडम डेटा भर रखा है पहले से, हिमांशी मेरे बहन का नाम है, ओके। उसके बाद कोई भी आप नंबर दे सकते हैं, कोई मेल दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे ऑप्शन आएंगे कि आप कौन कौन से क्रैश कोर्स या फिर क्या क्या कंबाइन में लेना चाहेंगे, क्या लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है कि किसी को क्रैश कोर्स भी चाहिए, सीरीज भी चाहिए, सो दे कैन चूज द सीरीज ऑल्सो। अच्छा, मल्टीपल नहीं है, ओके। इसमें थोड़ा एरर है, आई विल चेंज दिस वन। तो जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा मैं इसको थोड़ा चेंज कर चुका, ये वाला ऑप्शन आपको मल्टीपल में दिख जाएगा, तो आप एक से ज्यादा ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मल्टीपल को चूज करना अगर आपको दो चीजें लेनी है तो, ओके। उसके बाद गो नेक्स्ट, उसके बाद आपको पेमेंट की डिटेल मिल जाएगी, तो आप पेमेंट्स को यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। सीधा जाइए statistica.hub@YBL, ओके। अगर आप यूपीआई यूज नहीं करते हैं तो आप सीधा जाइए यहाँ पे, ये अकाउंट डिटेल्स हैं, सरोज देवी विल बी द अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, कोड, बैंक एड्रेस। आप सीधा फोन पे से भी पे कर सकते हैं, इस क्यूआर को स्कैन कीजिए एंड मेक द पेमेंट एज पर योर कोर्स रिक्वायरमेंट। उसके बाद जिसने भी पे किया है आपकी साइड से उसका नाम और ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे डाल दीजिए, और आपकी पेमेंट का प्रॉपर यहाँ पे स्क्रीनशॉट कि ट्रांजेक्शन आपने कौन सी की थी, वो आईडी मैच कर जाए, जस्ट सेंड दैट थी, और आप सबमिट कर दीजिए, यू विल बी इनरोल्ड, ओके। तो दैट विल बी द कंप्लीट प्रोसेस। तो किसी को भी ग्रुप में इस बार पहले ऐड नहीं किया जाएगा, जो यहाँ पे पूरा डेटा हमारे पास गूगल फॉर्म के थ्रू आएगा, सिर्फ उन्हीं बच्चों को पेमेंट इनरोलमेंट दिया जाएगा जो गूगल फॉर्म के थ्रू हमारे पास एक शीट में निकल के आता है, सिर्फ उन बच्चों के लिए ग्रुप बनाया जाएगा। पर्सनल पे मैसेज किए गए मैसेज रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ओके। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट वॉज द कंप्लीट डिटेल अबाउट आवर कंप्लीट कोर्स एंड द स्केड्यूल फॉर द क्लासेज एंड एवरीथिंग, ठीक है। आपको सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। तो कुछ कोर्स मैं पढ़ाऊंगा, कुछ करिश्मा मैम पढ़ाएंगी, सो दीज आर द कंप्लीट डिटेल्स। आप सीधा कोर्स में जाइए एंड क्लिक ऑन दिस पीडीएफ, यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट स्केड्यूल, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर आवर कोर्स, एंड वी आर स्टार्टिंग द कोर्स सून, होप टू सी इन द क्लास, बाय।